रावण वध का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में 12 तारीख को है और बाकी पूरे जिले में लगभग 17 जगह पर है। तो उसकी तैयारी को लेकर के आज जो गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा उसका हम लोग ब्रीफिंग किए हैं फोर्स और मजिस्ट्रेट का, और सारी तैयारियों को हम लोगों ने देखा है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, बैरिकेडिंग का काम पूरा हो चुका है, जो लाइटिंग का काम है वो भी हो गया है और उसका टेस्टिंग चल रही है। बाकी सीसीटीवी कैमरा हम लोगों के लगभग 128 सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट सिटी से जो गांधी मैदान के अंदर बाहर लगे हैं उससे 100% आच्छादित है। इसके अलावा हम लोग लोकली 50 सीसीटीवी कैमरा और लगा रहे हैं जिधर लोग रहते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए, और बाकी पेयजल की व्यवस्था और मेडिकल टीम हमारी, फायर ब्रिगेड की टीम, सब लोग पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले साल हम लोगों ने तैयारियां की थी, उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सभी जो हमारे गेट हैं उन सभी गेट पर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है, पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे, उसके बाद जो गांधी मैदान पर गेट बने हैं सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोगों ने 4 पेट्रोलिंग, एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। और इसके बाद जितने अप्रोच रोड हैं जो गांधी मैदान की तरफ आते हैं, चाहे आपकी बुद्धा कॉलोनी से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, पीर भवन तरफ से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, एग्जीबिशन रोड चौराहे से एग्जीबिशन रोड आता है, गांधी मैदान के बगल से जो रास्ता आता है गांधी मैदान थाना के बगल से, तो जितने भी रास्ते आते हैं उन रास्तों को भी हम लोग 200-300 मीटर तक क्लियर रखेंगे। ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया है कि जिससे लोगों को आने में और कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद बाहर निकलने में किसी प्रकार से समस्या नहीं हो। तो हम लोग को पूरी तैयारी है हमारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की, पूरे गांधी मैदान को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ सीसीटीवी कैमरे से दिखाई नहीं पड़ता हो। रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई, हम लोगों ने ये मानक रखा है कि अगर कोई आँख बंद करके भी गांधी मैदान के गेट से प्रवेश करे या निकलना चाहे तो उसको किसी प्रकार से कोई ठोकर इत्यादि नहीं लगे। इसी मानक के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 12 तारीख के पहले दोपहर 12-1 बजे तक हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। जो पुतले हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभी से बल प्रयुक्त कर दिया गया है, अस्थायी थाना भी गांधी मैदान में खोला गया है, तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न। सर, कार्यक्रम समाप्ति के बाद काफ़ी क्राउड हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए किस तरह? नहीं, जो पूरी कार्यक्रम जो तैयारी है उसमें 90% फोकस जो है वो हम लोग का यही है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो भीड़ निकले उस भीड़ को निकलने में कोई असुविधा नहीं हो। उसमें विशेष रूप से जो गेट नंबर 10 है, गेट नंबर 12 है, गेट नंबर 4 और 5 है और गेट नंबर 7 है, इन गेट्स पर आने वाले और जाने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती है, तो इन सारे गेट पर इसी